बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर थी नुसब नंबर 1074 और ये इलाका खल सफ़ाह के जनूब का इलाका है और पीछे हमारे बड़ा पहाड़ जबल अल तारिक। तो ये यहाँ क्योंकि प्लॉटिंग हुई है तो वो जो अंसाब यहाँ लगी हुई थी वो सारी मिट गई, चली गई, जिसका हमें बहुत दुख है। एनी हाउ, अब इस जगह ये जो खाली प्लॉट है, यहाँ पर थी अंसाब नंबर 1073, लेकिन उसका भी अब कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जो अंसाब की बुक है उसमें जो टैग्स प्रिजर्व्ड हैं माशाल्लाह, उस एतबार से ये जगह नोन है कि हाँ यहाँ पर जो है अंसाब हुआ करती थी। तो अब मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर थी नुसब नंबर 1073। तो ऑलमोस्ट ये उसकी लोकेशन बनती है। तो अब यहाँ पहुँच के उनके कैफियत को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जहाँ मेरे इस वक्त पैर हैं यहाँ पर थी 1073 और वो पीछे है जबल अल तारिकी। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा और अगर जनूब में चलेंगे तो आ जाएगी 1072। लेकिन ये सारा इलाका उसमें यानी कि प्लॉटिंग की गई, अभी कंस्ट्रक्शन हुई तो नहीं है, लेकिन जब प्लॉटिंग हुई तो वो सारे अंसाब उसमें चले गए। पीछे हमने खल सफ़ाह में कुछ अंसाब देखी थी जिनकी जगह तो बाकायदा इमारतें बना दी गई हैं और अब कोई भी नहीं जानता। इवन उन इमारतों में रहने वाले भी शायद ये ना जानते होंगे कि वहाँ पे किसी ज़माने में अंसाब लगी हुई थी। तो अब हम ये करीब आ गए हैं नुसब नंबर 1072 के और ये सड़क पार करके अगला जो प्लॉट है वहाँ पर थी 1071। ये जहाँ लकड़ी पड़ी और जहाँ मेरे पैर हैं यहाँ पर थी एग्जैक्टली 1072। तो अल्लाह पाक इस प्रोजेक्ट को वापस ले आए और अल्लाह करे कि ये अंसाब यहाँ दोबारा लगाए जाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि ये काम, ये प्रोजेक्ट कितना कीमती था माशाल्लाह।